हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट में जाइए और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंस्टाग्राम। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे पेज पे यहाँ पर डायरेक्ट ले जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आज की डेट बात करें तो आज की हेलो डेट में दोस्तों, हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। कल उसके रिजल्ट आए थे और काफी बेहतरीन वो कंपनी मुझे नजर आ रही है। ओके, एटलीस्ट ट्रेडिंग के पर्पज से ही उसे रखेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू से बिल्कुल नहीं रखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग से कमाएंगे और नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब उसके रिजल्ट आने वाले होंगे उससे पहले हम बेच के निकल जाएंगे। ये हमारा इसका टारगेट रहेगा। ज्यादा हमें इसमें आसक्ति नहीं रखनी है और मुझे लगता है कि अच्छा खासा शेयर तब तक लगभग 20% तक के रिटर्न हमें दे सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं फार्मा का दिग्गज शेयर है उसके रिलेटेड सारी बातें जानते हैं और देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली और टेक्निकल्स वगैरह से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट करें और लाइक जरूर करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारी हर एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक से ये होता है कि यूट्यूब आगे फॉरवर्ड करता है, तो उसकी वजह से काफी दूसरे लोगों का भी फायदा हो सकता है। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम है ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड, नाम आपके सामने है। और हम देखिए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी जंप थी, फिर उसके बाद गिरावट, फिर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेशन फेज में ये चल रहा है। 1 मंथ में कंसोलिडेशन है। 6 मंथ की बात करें तो देखिए 200 रुपए के आसपास जाके यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है और 52 वीक हाई 221 रुपए है इसका। तो यहाँ पर अगर बात करें और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं आपके सामने है। यहाँ पर भागता है फिर गिरावट, फिर भागता है फिर गिरावट, तो इस तरीके से जिग जैग मोशन में ये शेयर चलता है। तो इसमें हमें ट्रेडिंग करनी है पहली बता देता हूँ, और दूसरी बात यहाँ पर ज्यादा अमाउंट नहीं फंसाना क्योंकि यहाँ पर हमारे फंसने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये स्टॉक उसके लिए उनके लिए जहां पर कोई अगर गैम्बलिंग करना चाहता है या फिर कह सकते हैं कि रिस्क लेना चाहता है तो वहां पर ये शेयर आपको अच्छा खासा फायदा दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें जब ये पेंडेमिक आया था, जब ये शेयर बाजार गिरा था, उसके बाद से उसी रेंज में दोबारा इसी ट्रेड चल यहां पर कर रहा है ये शेयर। और इवन इफ यहां पर अगर बात करें रिजल्ट, पिछले 5 से 6 क्वार्टर के सबसे हाईएस्ट एवर यहां पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। 52 वीक लो की बात करें 91 रुपीज का लो है, 2 वीक हाई की बात करें 221 रुपए जो कि 30 दिसंबर को बनाया था। उसके बाद से 6 से 7 महीने हो गए हैं कंपनी नीचे ही चल रही है। लगभग 1,20,000 शेयर, 46% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट कल ही आए थे यहाँ पर, और भी चीजें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती आ रही है 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2016 में थोड़ा सा डिविडेंड देती है। छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है और प्रमोटर्स का 33.24% के शेयर, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। इसके अलावा इसकी बोनस और स्प्लिट की अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 2008 और 5 में 3:5 और 2:5 का रेस्पेक्टिवली यहाँ पर बोनस देती हुई नजर आई है कंपनी। और स्प्लिट की बात करें 2008 में एक बार स्प्लिट भी दिया है 10 रुपए की फेस वैल्यू बन। तो कंपनी ने 2008 में यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर देती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका बिजनेस। जैसे कि फार्मा लिख रहा है इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्केटिंग ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। तो क्या करती है ये फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है ये कंपनी। तो यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोसिटोरीज एंड पैसे, यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वेयर क्वालिटी मीट्स एफिशिएंसी एज वेल एज, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही है फार्मास्यूटिकल्स में। और इनके बारे में और जानना है तो इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स, कैप्सूल्स बनाती है, क्रीम जेल यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इंजेक्शंस ये बनाती हुई, ऑरल सॉलिड्स, तो ये प्रोडक्ट्स इनके बनते हुए नजर आते हैं। एज वेल एज यहाँ पर अदर हेल्थ में देखें तो बाम वगैरह, बाम क्रीम लोशन यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो ये कंपनी नजर आती है किसमें, यहाँ पर ये थेरा ब्यूटिक इंडेक्स में, स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस चीज को आप देख सकते हैं। तो ये इसके अलावा बात करते हैं इसके कंपनी के, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल की बात करें 1,114 करोड़ रुपए की कंपनी है। पी रेशियो की बात करें 14 के पी पे मिल रही है, सस्ती मिल रही है। आरओसी की बात करें 12% की है। डेट की बात करें तो केवल 12% का डेट है, ना के बराबर डेट कह सकते हैं, और कह सकते हैं डेट फ्री है। और यहाँ पर बुक वैल्यू 78 है और 108 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है, तो मतलब लगभग इसी प्राइस पे कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। और इंट्रेंसिक वैल्यू 115 रुपए है, तो ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए
कुछ पॉइंट्स की बात करूँ तो टेक्निकल के बेसिस पे, तो 200 DMA एज वेल एज 50 DMA के नीचे यहाँ पर चल रही है कंपनी। और जब भी कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट देने के बाद 200 DMA के नीचे चलती है तो वहाँ पर स्टॉक को चूज करना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फाइनेंस की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, सेल्स देख लीजिए। 2018 में इसके हाईएस्ट एवर सेल्स थे, सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर 228। फिर यहाँ पर धीरे धीरे इनकी सेल्स कम होती गई। यहाँ पर इवन इफ यहाँ पर पैंडमिक आया बट इनकी सेल्स नहीं बढ़ी। और अभी अगर हम देखते हैं जून 2021 में तो इनकी सेल्स एकाएक अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। 168 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हुई है, जो कि अगर बात करें पिछले अगर दिसंबर 2019 के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईएस्ट इनकी सेल्स होती हुई नजर आई है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ अभी नजर आया। और नेट प्रॉफिट की बात करें 24 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है कंपनी का। तो कंपनी एटलीस्ट किसी भी साल में क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर घाटे में नहीं रही। सबसे पॉजिटिव पॉइंट सेल्स की बात करें, सेल्स भी ईयरली बेसिस पर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ 2019 तक। फिर उसके बाद एक यहाँ पर 2020 में यहाँ पर 21 में गिरावट हुई। और अगर बात करें अभी तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। ये अगर बात करें पिछले 12 महीने में लगभग 616 करोड़ की सेल्स है और मुझे लगता है कि आगे के टाइम में भी इसी तरीके का यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी दे सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 77 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है 2019 के बाद। ये सबसे 2019 के बाद बात करें उससे पहले अच्छे खासे प्रॉफिट थे, फिर यहाँ पर गिरावट हुई। सॉरी, इसी 77 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है ये कह सकते हैं, क्योंकि काफी बार यहाँ पर अगर बात करें अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ जनरेट आया, बट कंपनी पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए रिस्क फैक्टर है थोड़ा सा, बट कंपनी ने नंबर अच्छे पेश करे हैं ईयरली वाइज। यहाँ पर ईयरली वाइज देखें, यहाँ पर जून अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जून 2021 से कंपेयर करता हूँ तो 130 करोड़ 168 में हो गया है। और क्वार्टरली बेस पे बात करें 132 से 168 हो गया। तो ये सारी चीजें बताती है पॉजिटिविटी। बैलेंस शीट की बात करते हैं, रिजर्व देखिए, रिजर्व अच्छे खासे है लगभग 800 करोड़ के। बोरिंग की बात करें, बोरिंग इनकी कम हुई है, 101 करोड़ की बोरिंग रह गई है। फिक्स एसेट की यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग 234 करोड़ का फिक्स एसेट और वर्किंग प्रोग्रेस में 2 करोड़ रुपए हैं इनके। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, कैश इक्विवेलेंट 145 करोड़ है। और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। और कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब यहाँ पर नेगेटिव इनकी बुक वैल्यू कैश हो। एज वेल एज यहाँ पर बात करते हैं ROCE भी ठीक ठाक है, पहले अच्छी खासी चलती थी, अभी गिरावट है और शायद आगे चल के और अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, 60 फिर 50 फिर 41 फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें 33 अभी 33.24। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट की बात करें FIIs ने यहाँ पर अच्छे खासी क्वांटिटी खरीदी है, 10% की हिस्सेदारी से लेकर 18 फिर 23 फिर 24 और अभी बात करें तो थोड़ी सी इन्होंने इससे भी अपनी हिस्सेदारी कम करी है और 21% के आसपास की होल्डिंग है। और बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास 38% की होल्डिंग है, बट 38 नहीं है यहाँ पर, अगर इसे काउंट कर लेंगे आप बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं तो लगभग 15% यहाँ से निकाल देंगे, तो लगभग 13% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है, जिसमें आपको ऑपरेटर भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और सब चीज। अब देखिए इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं तो ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ पर हम टेक्निकल्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये शेयर यहाँ पर से ऑपरेटर ही यहाँ पर से भगाते हैं, यहाँ पर ये ऑपरेटर भगा के ले गया, फिर यहाँ पर गिराया, फिर यहाँ पर ऑपरेटर दोबारा, तो बार बार कंपनी को इसी तरीके से नीचे लेके आते हैं, फिर यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ पर नीचे, फिर ऊपर, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कंपनी चल रही है, मतलब जिगजैग मोशन में चल रही है, अच्छे रिजल्ट तो भाग रही है, बेकार रिजल्ट तो गिर रही है, इस तरीके से परफॉर्मेंस है इसका। तो चूज करने के पीछे रीजन क्या है, तो चूज करने के पीछे सिंपल रीजन ये है कि पैंडमिक से पहले कंपनी कहाँ पर चल रही थी, पैंडमिक से पहले यहाँ पर कंपनी चल रही थी 122 123 रुपए पे और अभी और फिर उसका 82 पे आई और लगभग इसी रेंज में 100 रुपए की रेंज में ये कंपनी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर बढ़ी नहीं है और इसी रेंज में यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है। तो नंबर एक पॉइंट तो ये है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न, बट इस हम कप विद हैंडल पैटर्न को इसलिए नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ पर एक कप बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर से एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, बट इसके टारगेट हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करनी है पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इतनी खास नहीं है बट ठीक ठाक यहाँ पर वॉल्यूम है पहली बात। और दूसरी बात भी अगर हम बात करें
तो कंपनी के रिजल्ट एक ही बार के अच्छे आए, पिछली बार के रिजल्ट काफी 5 क्वार्टर की बात करें तो अच्छे खासे रिजल्ट नहीं दे। टू बी वेरी फ्रेंक, यहाँ पर कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि ऑपरेटर इसे कल की डेट में भगाते हुए दिखाई देंगे, जस्ट बिकॉज इसके अच्छे नंबर है और ट्रेडिंग पर्पज से ही हमें यहाँ पर रखना है। तो हमें ज्यादा यहाँ पर टारगेट की अचीवमेंट की बातें नहीं करनी। देखिए, ये भी अचीव हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 साल में अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट और अच्छे आते हैं तो शायद ये भी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। बट मैं इसके लिए नहीं जाना था कि 105 रुपए पे शेयर जाएगा तो सॉरी 105% के रिटर्न देगा, इसके लिए नहीं जाते। हम जाते हैं सिंपल थोड़े से रिटर्न के लिए कि 50% तक के, यहाँ तक के रिटर्न भी हमें दे दिए इसने। ओके, ये 150 के आसपास भी चला गया तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। और इस तरीके की ये अगर बात करें, ये शेयर इसी तरीके से भागता भी है, इस चीज को हमें ध्यान देना। जब भागता है तो अच्छी तरह भागता है, गिरता है तो भी अच्छी तरह गिरता है। तो शायद कल रिजल्ट अच्छे आने की वजह से ऑपरेटर इसमें एक्टिव रहेंगे और कल की डेट में इस शेयर को भगाते हुए दिखाई देंगे और अच्छा खासा हमें गेन मिल सकता है। तो ट्रेडिंग पर्पस से आपको यूज करना है, पहली बात यहाँ पर आपको बता दी है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल चार्ट पैटर्न तो अच्छा खासा बन रहा है। चार्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट आ रहे हैं। बट यहाँ पर चार्ट भी उसी चीज में काम आता है जहाँ पर हमें नजर आता है कि कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल है। यहाँ पर फंडामेंटल मेरे साथ नहीं दे रहे इतने, बट थोड़े बहुत साथ दे रहे हैं तो शायद रिजल्ट अच्छे आए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के पर्पज से हम इसे रख सकते हैं 20 से 30%, 40%, 50% तक के लिए, जब तक कि इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आते। तो सिंपल सी हमारी स्ट्रेटेजी है, वरना 360% के, 360 का यहाँ पर टारगेट आ रहा है। बट इसे अचीव नहीं करना, हमें हमें अचीव करना है केवल थोड़ा सा टारगेट। यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, बार बार यहाँ पर आया है तो यहाँ पर 160 के आसपास का ही आए ये शेयर, तो निकलने की कोशिश करिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट करें और लाइक करें किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।